रतन सूत्र नंबर 14। रतन सूत्र यानी महा मृत्यु विजय सूत्र या महामच्छु विजय सूत्र या महामारी का विजय सूत्र या महामच्छुंजय सूत्र या महामृत्युंजय सूत्र नंबर 14। वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्म वरंग अदेशिये इदंपि बुद्धे रत्नंग पणितंग एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु। वरो वरयु, वरो का मतलब होता है जो श्रेष्ठ है, यानी वर जो बोलते हैं ना, जैसे जानवर, मान्यवर या ताकतवर, या हम बोलते हैं स्वयंवर, जिसके पीछे वर लग जाता है, या मुनिवर, ऐसी धम्मवर, यानी जिसके पीछे वर लग जाता है वो श्रेष्ठ होता है। स्वयंवर में जो औरतें थी वो सबसे श्रेष्ठ को स्वयं चुनती थी, तो स्वयंवर बोलते थे। जिसकी मान्यता सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे अच्छी हो, श्रेष्ठ का मतलब सेठी होता है, सबसे सेठी हो वो मान्यवर हो गया। जानवरों में जिसकी जान सबसे अच्छी है वो जानवर हो गया। जानवर वैसे उर्दू का शब्द है। और ऐसे ही धम्मवर, यानी धम्म में जो सबसे श्रेष्ठ है वो धम्मवर हो गया। तो ये वर जहां लग जाता है पीछे पाली के अंदर, ये वर का मतलब श्रेष्ठ होता है। यहां वर चार बार इस्तेमाल हो रहा है। वरो माने जो श्रेष्ठ है, जैसे बुद्ध बोलते हैं वैसे वरो यानी बुद्ध हो गए। वरयु, वरयु का मतलब है अच्छे को जानने वाला। अयु जहां लग जाता है इसका मतलब ज्ञाता हो गया। ज्ञात, ज्ञात को बोलते हैं, यात बोलते हैं बेसिकली इसको। तो वयु का मतलब हो गया, वरयु का मतलब हो गया कि जो श्रेष्ठ है, जानता है। वरदो, वरदो का मतलब है श्रेष्ठ देने वाला। जहां दे लग जाता है वहां दान से, देने से मतलब है। वर दो का मतलब है श्रेष्ठ देने वाला, यानी जो श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ जानता है, जो श्रेष्ठ देने वाला है। वराहरो, वराहरो का मतलब है जो वर को हरने वाला है, लाने वाला है, यानी जिसने श्रेष्ठ को हर लिया है, श्रेष्ठ को सीख लिया है, श्रेष्ठ को जान लिया है मेहनत करके, यानी कि जो श्रेष्ठ को लेके आया है। तो वरो वरयु वरदो वराहरो अनुत्तरो धम्मवरंग अदेशिये। अनुत्तरो का मतलब है जिसका कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं, जिसका शानदार है, सबसे बढ़िया है। धम्मवरंग, धम्मवरंग का मतलब है धम्म का सबसे श्रेष्ठ, यानी भगवान बुद्ध। अदेशिये, अदेशिये का मतलब है जो देशना अभी तक दी नहीं है, आदित्य देशना है, बहुत बढ़िया देशना है, लाजवाब। इदंपि बुद्धे रत्नंग पणितंग, इस ये जो रत्न है बुद्ध में सबसे श्रेष्ठ है। इदंपि माने यह है भी, और बुद्धे माने बुद्ध में, रत्नंग माने रत्न है, और पणितंग माने श्रेष्ठ है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सच्चे वचन से सभी महामारी शांत हो जाए, सभी स्वस्थ हों, सभी प्राणी का कल्याण हो, ऐसा है महामच्छुंजय सूत्र या रतन सूत्र नंबर 14। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं, और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए, या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए, या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए, या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए, या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए, या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे, या अपने हैंडल पे, या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Shut up.